पीजीआई की तरफ से और लाहौर हाई कोर्ट में ये जो हुक्म आईन दूरी हो रही है, आईन का हुक्म जो है उसको नहीं माना जा रहा। हम डेट लेने के लिए भी जा रहे हैं और आज ये जो गवर्नर साहबान की तरफ से इलेक्शन को डिले करने का एक सोचा समझा मंसूबा, उसमें मशवराकार वफाकी काबीना और केयरटेकर सेटअप के लोग भी हैं और कुछ ऐसे इदारे जो हमारे खिलाफ मुद्दई हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान के आईन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर जिमनी जनरल इलेक्शन हो, दो सूबों में दोनों की हुकूमतें कायम हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती होगी। और मैं हमारी सारी फैमिली, मीडिया की, वकला की, हमारे अपने वोटर्स की, हल्के के लोगों की हम बहुत मशहूर हैं पूरे खानदान की तरफ से। और इसके साथ साथ मैं एक दरख्वास्त, वो मैं उनसे परवेज साहब से का फोन आया है, माजरत की चौधरी साहब ने किया है तो उनका जो बात हो मेरे से भी हो गई है एंड उन्होंने कहा तो मैं तहरीके इंसाफ के जो बाकी हमारे दोस्त हैं मैं उनसे कहूंगा कि चौधरी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बड़कपन का मुजारा किया है, हम सबसे पर्सनली फोन भी किया है तो उस पर दरगुजर बेहतर है, वो हमारे बुजुर्ग के कोई कमेंट निकल जाता है। बताया है कि क्यों बात की नौबत आई? बस वो मैं बात करूंगी उनसे जी, अभी वो इनसे बात करेंगे और उनका फोन अभी मुझे आ रहा है तो मोनिस भाई का भी आ रहा है और बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है मोनिस भाई, तो जुलाई साहब से भी अभी बात करूंगी। और मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिस तरीके से इन्होंने मुझे एज अ वाइफ औरत को सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। और आप देखते हैं नेक्स्ट टाइम अडियाला है या सब जेल है, वील सी दैट एंड थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। एंड मैं कोई चीफ जस्टिस साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको जुडिशियल किया उन्होंने, अब देखते हैं 14 दिन का रिमांड तो मुस्तरद हुआ है। नहीं, वो अभी हम बेल का प्रोसेस कर रहे हैं, अब इनका पहला केस है, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अच्छा, बेल का अगला प्रोसेस क्या है? पोस्ट अरेस्ट बेल जो है चौधरी फवाद साहब की, वो हम अभी मूव कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि सेम डे नोटिस करके बेल का प्रोसेस शुरू किया जाए और अब जमानत की तरफ हम जा रहे हैं जो कि हमारा इस्तेहकाक है। रिमांड खत्म जुडिशियल होने के बाद अगला प्रोसेस वो होता है तो हम जमानत के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। मैं तमाम जो मेरे दोस्त कारकुन, मेरे संगी साथी, मेरे हल्के जो जी आवाम आई है, मैं जो अपना जेलम से सारे बंदे का मैं बहुत मशहूर हूँ और अल्लाह ताला जो पुलिस की जरूरत नहीं है, जो हमारी का टीम को हाथ लगाएगी, जो हाथ लगाएगा उसको हम पूरी तरह से निपटेंगे, हमें आता है। मैं कल ही काफी हूं इनके लिए, बेफिक्र रहो। इस्लामाबाद में फैसल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुल्क में आईनी अहकामात को नहीं माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी हम दरख्वास्त देने जा रहे हैं जमानत की और बेल प्रोसेस अब चलना शुरू हो चुका है और उन्होंने कहा कि आईन के मुताबिक 90 दिन में होना बहुत जरूरी है, इसके हवाले से भी हम मजीद आगे जा रहे हैं।